भारतीय समुद्र विश्वविद्यालय इंडियन मेरिटाइम यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग पोस्ट असिस्टेंट एंड असिस्टेंट फाइनेंस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। IMU का ऑफिशियल पोर्टल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 9 अगस्त 2024 से इसका ऑनलाइन स्टार्ट है, जिसकी लास्ट डेट 30 अगस्त 2024 रहने वाली है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब मिलेगा, आप जो कि इस पर क्लिक कर देंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन पेज जो कि ओपन हो चुका है, अप्लाई फॉर पोस्ट। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे पोस्ट का नेम देखने को मिल जाएगा। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको सेपरेटली दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आप नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ जो कि सेम यूज कर सकते हैं। जैसे हम असिस्टेंट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसे जो कि सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप असिस्टेंट फाइनेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप एक नया आवेदन करेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग अपना जो है कि यहाँ पे नेम आप मेंशन कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ जो कि आप यहाँ पे फिल करेंगे, पहले आप डेट की एंट्री करेंगे, उसके बाद मंथ की एंट्री करेंगे, और इस कैलेंडर के माध्यम से ईयर की एंट्री कर देंगे। यहाँ पे जो कि अपना ईमेल आईडी आप फिल करेंगे, एज द रेट लगा हुआ है, डोमेन नेम जो भी आपका है, इस लिस्ट के माध्यम से इस तरीके से जो कि आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो कि अपना कंप्लीट ईमेल आईडी आप फिल करेंगे। पासवर्ड आप देखिए, मैक्सिमम जो कि मिनिमम 4 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। कोई सा भी आप पासवर्ड आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे आप में जो कि जो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपने पढ़ लिया, रीड कर लिया है, आप यहाँ पे यस करेंगे, सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन जो कि कंप्लीट हो चुका है, अब जो कि हमें फॉर्म को लॉग इन करना है, तो अपना ईमेल आईडी यहाँ फिल करेंगे। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उस पोस्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। पासवर्ड जो आपने डिजाइन किया, तो उसकी एंट्री करेंगे, सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। हमारा फॉर्म जो कि लॉगिन हो चुका है, फॉर्म को 4 स्टेप में जो कि आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले फिल एप्लीकेशन, फोटो एंड सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे, यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद मेक पेमेंट करेंगे, तो आपका उसके बाद फाइनल प्रिंट प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले फिल एप्लीकेशन वाले टैब पे हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे 4 स्टेप देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्लिक कर टू फिल पर्सनल डिटेल वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नेम के पहले अपना जो कि टाइटल आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देना है रिटर्न एग्जाम के लिए, तो आपको यहाँ पे सेंटर लिस्ट जो कि देखने को मिल जाएगी, अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सेंटर देना चाहते हैं, इस तरीके से जो कि अपना सेंटर जो कि 3 आपको एग्जाम सेंटर देना जो कि कंपलसरी है, तो इस तरीके से जो कि आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो कि फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ पे फादर का जो कि टाइटल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो कि फादर नेम जो कि आप यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। जेंडर बताएंगे, मेल या फीमेल आप उसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो कि एड्रेस कम्युनिकेशन डिटेल आपको जो कि फिल करनी है। एड्रेस लाइन फर्स्ट में अपना जो कि विलेज और पोस्ट फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो कि अपने सिटी के एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्टेट, जिस भी स्टेट से बिलोंग कर अपने स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे पिन कोड की एंट्री कर देंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है, तो आप यहाँ पे सेम एज पे क्लिक कर देंगे, आपका दोनों एड्रेस जो कि कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अलग अलग फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, आप उसे जो कि यहाँ पे फिल करेंगे। अल्टरनेट अगर आप ईमेल आईडी देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे ब्लैंक्स भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी बताना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं, जनरल, EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC, ST, तो जो भी आपकी कैटेगरी है आप जो कि इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप PWD, अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उसके इसमें आप यस करेंगे। दिव्यांगता का जो कि आप प्रकार बताएंगे, किस तरीके की दिव्यांगता है, और उसके बाद कितने प्रतिशत आपकी दिव्यांगता है, इस तरीके से। अगर आप दिव्यांग नहीं, तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसको मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, डिवोर्स है, तो उसे जो कि आप सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी में आप जो कि यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। एक्स सर्विस मैन है, तो आप यहाँ पे यस कीजिए, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या ऑटोनॉमस बॉडी, या पब्लिक सेक्टर में, तो आप यहाँ पे यस या नो में आंसर कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय है IMU के, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं, तो उसका अपना जो कि पर्सनल आईडी नंबर आपको यहाँ पे जो फिल करना पड़ेगा। अगर आपके पास वर्किंग नॉलेज है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिलेटिव वर्किंग है इस IMU में, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद सेव पर्सनल वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल कंप्लीट करने के बाद, अब जो कि हम क्वालिफिकेशन डिटेल वाले टैब पे क्लिक करेंगे, तो हमारा क्वालिफिकेशन का सेक्शन जो कि ओपन हो जाएगा।
क्वालिफिकेशन डिटेल में सेलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल, तो आप जब इसे ओपन करेंगे तो पहले 10th 12th ग्रेजुएशन इस तरीके से जो कि आप क्वालिफिकेशन को ऐड करेंगे। जैसे पहले मैंने 10th को सेलेक्ट किया, ऐड क्वालिफिकेशन वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे, आप इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन नेम, तो आप जो कि अपना SSC भी फिल कर सकते हैं, जैसा आपके मार्कशीट पे मेंशन है क्लास 10 तो क्लास 10 फिल कीजिए, मैट्रिकुलेशन है तो मैट्रिकुलेशन भी आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि ऑल जनरल सब्जेक्ट भी आप फिल कर सकते हैं, या आप इस तरीके से मैनुअली जो है कि सब्जेक्ट का नेम भी इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप इस अपने तरीके से जो कि आप पूरे सब्जेक्ट की एंट्री यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे पासिंग ऑफ ईयर, तो आपको पहले यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो कि ईयर की एंट्री कर देना, तो उस कैलेंडर में आप जो कि इस तरीके से फिल करेंगे। यहाँ पे अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का आप नेम फिल करेंगे, अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नेम जो कि आप फिल कर देंगे। मार्किंग स्कीम आपको सेलेक्ट करना है, अगर आपका मार्क्स तो मार्क्स सेलेक्ट कीजिए, अगर CGPA तो आप इस तरीके से CGPA को जो कि सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑप्टेन कितने आपके तो उसे फिल करेंगे, मैक्सिमम CGPA आपका कितना तो उसे फिल कीजिए और आपका परसेंटेज जो कि यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे फार्मूला का यूज करके अपने CGPA को जो कि परसेंटेज में जो कि फिल करके आप यहाँ पे जो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि बताया गया नोट में, जैसा आपके डॉक्यूमेंट पे आपका CGPA है, अगर उसे परसेंटेज कन्वर्ट करने में कोई फार्मूला दिया गया है विश्वविद्यालय या स्कूल द्वारा या कॉलेज द्वारा, तो आप उस तरीके से भी कन्वर्ट करके आप जो कि अपना जो कि परसेंटेज फिल कर सकते हैं। जैसे हमारा मार्क्स टाइप था तो उसे फिल करेंगे, कितने नंबर प्राप्त हुए तो उसकी एंट्री करेंगे, और जो कि मैक्सिमम मार्क की एंट्री कर देंगे, आपका परसेंटेज जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। डिवीजन आपको बताना है, आप जो कि अपने अकॉर्डिंग से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिलीवरी आपको मोड, फुल टाइम पार्ट टाइम या डिस्टेंस या कॉरेस्पॉन्डेंट, अपने अकॉर्डिंग से सेलेक्ट करेंगे। सेव क्वालिफिकेशन वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। क्लास 10th की डिटेल देखिए इस तरीके से आपकी ऐड हो जाएगी। फॉर्म को मैं सिर्फ डेमो पर्पज से फिल कर रहा हूँ, आप अपना रियल और एक्चुअल डाटा फिल करें। उसके बाद जो कि आप इंटरमीडिएट डिटेल की जो कि फिल करेंगे, ऐड क्वालिफिकेशन वाले टैब पे क्लिक करेंगे, सेम इसी तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन नेम आपको जो कि यहाँ पे फिल करना है, तो आप इंटरमीडिएट भी फिल कर सकते हैं, HSC भी या 12th भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कि सब्जेक्ट की एंट्री करनी है, जैसा आपका सब्जेक्ट है आपके क्लास 12th में इस तरीके से आप जो कि सब्जेक्ट की एंट्री करेंगे। उसके बाद जो कि आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नेम की एंट्री के बाद आपको यहाँ पर देखिए पासिंग ऑफ ईयर सेलेक्ट करना है। पहले आप मंथ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो कि ईयर की एंट्री यहाँ से कर देंगे। उसके बाद अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपने विद्यालय का नेम लिखेंगे या इंस्टीट्यूट या कॉलेज का नेम लिखेंगे। मार्किंग स्कीम बताएंगे, आपका मार्क्स है CGPA आप उसे सेलेक्ट करेंगे। ऑप्टेन मार्क्स आपको कितने मिले थे आप उसकी एंट्री करेंगे, टोटल मार्क्स आपको कितने मिले थे आप जो कि इसकी एंट्री यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आपका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। डिवीजन आप सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप जो किसे सेलेक्ट कीजिए। डिलीवरी मोड आप बताएंगे, फुल टाइम पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट और डिस्टेंस, इसे सेलेक्ट करने के बाद सेव क्वालिफिकेशन वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। 10th और इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करने के बाद आप जो कि ग्रेजुएशन को सेलेक्ट करेंगे, ऐड क्वालिफिकेशन डिटेल वाले टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन नेम जो कि आपको फिल करना है आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने क्वालिफिकेशन को जो फिल कर देंगे। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको लिखना है, या आप यहाँ पे सब्जेक्ट की भी एंट्री कर सकते हैं, या स्पेशलाइजेशन का नेम भी आप जो कि यहाँ पे फिल कर सकते हैं। पासिंग ऑफ ईयर जो कि आपको सेलेक्ट करना है, पहले आप मंथ की एंट्री करेंगे, उसके बाद जो कि आप ईयर की एंट्री कर देंगे। यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम जो कि आपको फिल करना है आप उसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पे अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नेम जो कि आप यहाँ पे फिल कर देंगे, पूरा अपने कॉलेज का नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे। मार्किंग आप बताएंगे, मार्किंग स्कीम मार्क्स या CGPA आप उसे सेलेक्ट करेंगे, टोटल नंबर आपको कितने मिले थे आप जो कि उसकी एंट्री करेंगे और टोटल मार्क्स की आप जो कि एंट्री कर देंगे, तो आपका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। डिवीजन जो कि आप सेलेक्ट करेंगे, डिलीवरी मोड जो कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, सेव क्वालिफिकेशन वाला टैप करेंगे, उसके बाद आप जो कि बैक कर देंगे, तो आपको सारी क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ से ऐड हो चुकी है। अगर कोई और क्वालिफिकेशन है तो ऐड क्वालिफिकेशन एडिशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके आप जो कि और भी क्वालिफिकेशन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट क्वालिफिकेशन एंड प्रोसेस टू नेक्स्ट स्टेप वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक्सपीरियंस डिटेल जो कि फिल करनी है, आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस डिटेल है तो ऐड एक्सपीरियंस वाले टैब पे क्लिक करके एक्सपीरियंस डिटेल जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस डिटेल नहीं है, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल जो कि आपको फिल करना है, अगर आपका IMU में सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग के लिए मिनिमम आप कितने दिन का समय लेंगे, तो आप जो कि इसे यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे ब्लैंक सी
छोड़ सकते हैं। मदर टंग आपको यहाँ पे बताना जो कि आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपके पास देखिए कोई अदर लैंग्वेज हो, आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से फिल कर देंगे। मदर टंग के अलावा आपके पास कोई है, अगर आपको कभी पेनल्टी या पनिश किया गया है तो आप उसके बारे में यस या नो में आंसर कर सकते हैं, या आपको कभी क्रिमिनल केस में या सिविल केस में कभी आपको अरेस्ट किया गया है या कोई केस है तो उस केस में आप यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि आप चेक मार्क कर देंगे आई हेयर बाई डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे, उसके बाद सेव एडिशनल डिटेल वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो कि अपलोड करना है, जिसका डायमेंशन आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। जेपीजी फाइल में आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होना चाहिए, फोटोग्राफ 20 से 50 केबी के बीच में, वही सिग्नेचर आपका 5 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करके अपना फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए यहाँ पे क्लास 10th की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जिसका डायमेंशन 300 केबी तक होना चाहिए। पीडीएफ फाइल में जो कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद क्लास 12th का जो कि आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन का जो कि फाइनल ईयर का जो डिग्री है आप उसे जो कि यहाँ पे अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन का मार्कशीट है तो आप यहाँ पर 300 केबी तक पीडीएफ फाइल में अपलोड करेंगे। जिस भी कास्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं अपने कास्ट सर्टिफिकेट को जो कि आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन का टाइम मिलेगा, आप जो कि इस पर क्लिक कर देंगे। हमारा डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, प्रोसेस टू प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू सेक्शन ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए प्रिंट प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, चीजों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे कि फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। अगर आपको कोई त्रुटि लगती है, एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का टैब है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जाके आप फॉर्म को जो कि करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सारा डाटा ठीक हो, प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में मेक पेमेंट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आएंगे, दोनों ऑप्शन में आप जो कि यस वाला टैब जो कि सेलेक्ट करेंगे, सबमिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखिए ₹826 पे करना होगा आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जैसे UPI या QR कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप यहां पे कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, पे वाले टैब पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको OTP प्राप्त हो जाएगी, OTP वेरीफाई करेंगे, यहां से पेमेंट जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको फाइनल प्रिंट प्राप्त हो जाएगा, जिसे आप सेव करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।